नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के नाम से उदयपुरा में बनेगा विशाल संत भवन। रायसेन जिले के उदयपुरा में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के नाम से एक विशाल भवन बनेगा, जिसमें होगा संत निवास एवं चैत्यालय। जानकारी देते हुए नरसिंहपुर जैन समाज के अध्यक्ष ने बताया कि मुनि श्री निर्णय सागर जी के आशीर्वाद से इसका निर्माण होगा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य रायसेन से 55 किलोमीटर दूर गैरतगंज में विराजमान है, जहां उनका चौमासा हो रहा है, जहां लगातार प्रवचन, आहार एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। कहां से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं अजय जैन हूँ, तेंदुखड़ा दिगम्बर जैन समाज में अभी अध्यक्ष पद का दायित्व है हमारे ऊपर। अभी पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी का तेंदुखेड़ा में प्रवास था ग्रीष्मकालीन, उस दौरान महाराज श्री ने एक उपक्रम पर हम लोगों को आदेश दिया कि उदयपुरा एक ऐसी जगह पड़ जाती है जो गाडरवारा, सिलवानी, गैरतगंज और बरेली तेंदुखेड़ा का जंक्शन है। वहाँ साधु संतों का विहार होता रहता है और उन्हें रुकने के लिए कोई व्यवस्था, उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने से असुविधा होती है। तो इस उपक्रम को महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ाया, मीटिंग आयोजित की, तो सिलवानी, बरेली, गैरतगंज, गाडरवारा, उदयपुरा जैन समाज के लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया। विगत 12 जुलाई को जगह पर खरीद कर भूमि पूजन किया गया है। उस जगह पर आचार्य विद्यासागर उपाश्रय के नाम से उस जगह को जाना जाएगा और उसके अंदर पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी के नाम से एक संत भवन का निर्माण होगा और एक चैत्यालय का भी निर्माण होगा और निश्चित तौर पर वह संरचना एक अद्भुत संरचना होगी। उस संरचना से हम नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद तीन जिले के लोग वहां एकत्रित हो सकेंगे और आपस में जैन समाज में संगठन का भाव भी पैदा होगा। क्या नाम है आपका? अजय जैन। कहां के निवासी हैं आप? तेंदुखेड़ा, नरसिंह।